दोस्तों को सलाम। अब की बार 400 पार। दोस्तों एक छोटा सा इनपुट मेरा भी सुन लीजिए। अब की बार 400 पार। 400 पार में थोड़ा सा एक आंकड़े पे नज़र डालते हैं, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिए कि साइकोलॉजिकल गेम कैसे खेले जाते हैं। तो इस 400 पार पे मैं बात करूंगा साउथ के उन स्टेट की जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई फुटप्रिंट है ही नहीं, जिसमें आप केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और जी आंध्रा, इन सबको अगर हम मिलाते हैं, जहां पर आप ये मान के चलें कि यहां बीजेपी ना के बराबर है, और ना के बराबर क्या मतलब है ही नहीं, ये टोटल सीट बनती हैं 101। 101 सीटों के ऊपर, मैं उन राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ बीजेपी जीत रही है या बीजेपी है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ बीजेपी खुद नहीं है, अलाए वो किसी के साथ करे ना करे वो एक अलग बात है। 101 सीट अगर 542-543 सीटों में से कम कर देते हैं तो 441-442 सीट आप मान सकते हैं कि आपकी बन गई 442 सीट। 442 सीट में अभी हमने सिर्फ उन स्टेट की सीटें कम की हैं जहां बीजेपी ज़ीरो है। अब वहां आते हैं थोड़ा सा साउथ के उन स्टेट में आते हैं जहां बीजेपी है और कितनी है वो आप जानते हैं, जिसमें से हम जोड़ेंगे तेलंगाना को, माफ़ कीजिएगा, इसमें से हम कर्नाटक को, उड़ीसा को इंक्लूड करते हैं, और उड़ीसा के साथ थोड़ा सा और आगे भी उन राज्यों में भी जोड़ेंगे, क्योंकि उड़ीसा में भी बीजेपी ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी और कर्नाटक में 17 सीटें जीती थी। तो कर्नाटक और उड़ीसा, इन दोनों स्टेट को हम मिलाते हैं और इनके साथ हम स्टेट मिलाते हैं आपके पंजाब और बंगाल को। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी वहाँ बीजेपी ने हासिल की थी, 18 सीटों पर आई थी, मगर वहाँ सीटें 42 हैं। हम कर्नाटक और बंगाल और उड़ीसा और पंजाब, इन स्टेट को मिलाते हैं तो 104 सीटें ये हो जाती हैं, और इस 104 सीटों में से पूरी जोड़ तोड़ करके बढ़ाकर भी अगर भारतीय जनता पार्टी आई है तो उसके पास बनती हैं 45 सीट, समझ लीजिए कि 45 सीट इनमें से भी ले लेती है। अब आप जो इसमें से 70 सीटें कम करते हैं तो वो आपको मतलब 59, और कुल मिला के अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो 60-70 के बीच में आता है। अगर ये बिल्कुल नेक टू नेक आज की तारीख में भी अगर आप इसे कम कर लेते हैं, जिसमें से पंजाब की सीटें भी हमने जोड़ दी, उड़ीसा में भी जोड़ दी, कर्नाटक में भी, बंगाल में भी, जहां सीटें मिलती हैं उनको भी अगर हम जोड़ देते हैं तो भी अब हमें 442 में से 60 सीटें बिल्कुल नेक टू नेक ही अब कम कर दीजिए, 382, कुछ 81-82, एक दो नंबर में गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टीपी नहीं पढ़ रहा हूँ। दोस्तों ये वो आंकड़ा है जिससे एक सीट भी आगे लाने की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती, चाहे ईवीएम क्या ईवीएम में खुद ही बैठ जाए जाके। यानी अब की बार 400 पार का जो ड्रामा दिमागों में भय बिठाया जा रहा है, वो इसलिए बिठाया जा रहा है कि आपको साइकोलॉजिकली आप मान लें कि बस 400 पार हो गई। 382 तो वो नंबर है जिसके ऊपर ईवीएम, वीवीएम, जो भी एम, डीएम सब मिला दीजिए, 382 के ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, कोई गुंजाइश ही नहीं है, बेईमानी की भी गुंजाइश नहीं है। मगर क्या कमाल का साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं आपके साथ में। अभी हमने बात नहीं की है, यानी हम 382 पे बात कर रहे हैं। अब 382 पे आता है पूरा हिंदुस्तान, वो जहां पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, वहाँ पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है, वहाँ पर समाजवादी, आरएलडी, जो बीएसपी, सब मिलकर जो है, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब सारी पार्टियाँ अब बाकी की बची हुई सीटों पर ही फाइट करती हैं, जिनमें से महाराष्ट्र, शिवसेना,
क्या आप साहब धन किनार कर देंगे? आप कहेंगे कि शिवसेना जीरो सीट लेने जा रही है। आप मानेंगे कि जो है यूपी में पिछली बार जो विपक्ष ने 17 सीटें ली थी, अब की बार वो भी सब खत्म करने के बाद जो है वो यूपी में बिल्कुल 0/0 हो जाएगी, ये सब इनका कोलेशन काम आने वाला नहीं है। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, शायद नहीं। यानी मैं महाराष्ट्र की बात की, यूपी की बात की, बिहार में जिस तरह तेजस्वी का नंबर दिख रहा है, अगर तेजस्वी पहली बार इस कोलिशन के पास 40 में से 39 सीटें हैं, अगर फाइट होती है और 20 सीट भी अगर तेजस्वी ही यहाँ पर जीत लेते हैं, और जो एक बड़ी अच्छे नंबर शिवसेना ने पिछली बार 19 में जीते थे वो अपने नंबर ही रिपीट कर लेती है, और यूपी में जिस तरह समाजवादी और कोलिशन ने जिस तरह जीते थी सिर्फ वही नंबर रिपीट कर लेते हैं, तो आप जानते हैं क्या होने जा रहा है। अब सीटें 300 से नीचे आ जाती हैं। कुल मिला के मैं जितना कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ, पूरे आंकड़े, पूरी ईवीएम, पूरे खेल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार 270 के ऊपर, 370 नहीं, 270, 60-70 के ऊपर नहीं नंबर दे रहा हूँ। और अगर सूझबूझ से कहीं पर कोई पूरी तरह से किसी ने कोई थोड़ा सा भी उलटफेर कर दिया, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अगर वो अच्छी कारकर्दगी करते हैं 17 सीटें यहाँ ख़त्म कर देते हैं, अगर बंगाल में जो है वो ममता कुछ अच्छा करती है और वहाँ इनकी सीटें और उल्टे कम कर देती है, तो पंजाब में तो वही बीजेपी का फुटप्रिंट आने वाला नहीं है। अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में मुझे जरूर लग रहा है वो अब की बार यह होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 250 के आसपास और 220 के आसपास अगर सीटें लाती है तो फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी खतरे में आ जाएगी, और एनडीए के कोलिशन जिसमें नीतीश कुमार जैसे लोग होंगे, जिसमें और दूसरे लोग शामिल होंगे, अगर ये जोड़ तोड़ की सरकार भी बनाते हैं तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे। अब ये साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेला जा रहा है, अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार का पूरा आंकड़ा बिना किसी सर्वे के सीधे सीधे कैलकुलेशन से आपको समझा रहा हूँ। अपना आपके पास बुद्धि है, अपनी अकल लगाएं, आप चाहें तो समझें, ना ही चाहें तो ना समझें। एक रिक्वेस्ट साथ साथ और कर देता हूँ कि इंडिपेंडेंट जितने, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मुझे मत छोड़िएगा, जितने पत्रकार इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों की मदद करें, उनको फाइनेंशियल हेल्प करें, जिनके यूट्यूब आप देख रहे हैं, क्योंकि जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे वो आपकी कांग्रेस हो, चाहे वो फिर दूसरी समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, कुछ सोशल कंपनियों को ज़रूर वो कुछ फंडिंग कर रही होंगी, मगर जो पत्रकार सही मायनों में, जो टॉप 20 पत्रकारों में आते हैं और जो सही मायनों में जंग लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की और लोकतंत्र को बचाने की, उन लोगों की मदद में कोई पार्टी नहीं खड़ी है। जनता से गुजारिश है कि आप उन लोगों को अगर आप थोड़ी थोड़ी भी हेल्प करोगे, अगर 1,000-1,500 भी आप उनके अकाउंटों में डालना शुरू करोगे, तो वो आपके लिए बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं, और इस वक्त आपकी लड़ाई वही लड़ सकते हैं। आपकी पार्टियां, आपके नेता निकम्मे हैं, वो नहीं लड़ सकते। मगर एक बात याद रखिएगा, आम जनता पर जो असर होता है मीडिया का, वो आप देख रहे हैं कि लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो मीडिया बोलता है, दूसरी तरफ से जो आते हैं सवाल वो सेम डिट्टो आते हैं उनके मुंह में डाले हुए, तो उनको काउंटर भी मीडिया से ही किया जा सकता है, ताकि माहौल तो कम से कम बैलेंस हो। और वैसे भी जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं यार, आप उनको मदद क्यों नहीं करोगे? आपको करनी चाहिए, मेरी बात पर गौर भी करना चाहिए। इन तमाम पार्टियों को मैं निकम्मे की कैटेगरी में डालता हूँ, फिर भी आपको इन्हें जिताना है, जिन्हें भी जिताना है आपको जिताना है। मगर मैं उन पत्रकारों के लिए ज़रूर कहूँगा जो अपना टाइम भी दे रहे हैं, अपनी मेहनत भी लड़ रहे हैं, आपके लिए अपनी नौकरियां खो चुके हैं, उनकी मदद करें। फिलहाल इतना ही, खुदा हाफिज़।